हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्यूटीफुल तनु रेमेडीज। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मेहंदी का पैक बनाना, जो आप अच्छे से आप घर पे बना सकते हैं। आपके जैसे बाल सफ़ेद हो गए हों, आपके बालों में शाइनिंग नहीं है, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको मेहंदी में क्या क्या मिक्स करना है, किस तरीके से उसका पेस्ट बनाना है और किस तरीके के बाल 15 दिन में बहुत खूबसूरत होने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको लेना है मेहंदी। ये मैंने रचना हिना की मेहंदी ली है। इसको आपको, ये मैंने दो लोगों के हिसाब से डाला है। इसको हम दो लोग लगाएंगे तो उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी दी है हमने इसकी, और इसको डाल लेंगे। और उसके बाद मैं लूँगी इसमें मैंने रीठा, आंवला और सिकाकाई का चूर्ण बना लिया है। इसको भी इसमें मिक्स करेंगे। और ये ली है मैंने मेथी, ये मेथी पिसी हुई है, इसके हम डालेंगे 2 चम्मच। और ये लिया है मैंने दही, दही हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच, 2 चम्मच ही दही डालना है। इसमें 2 चम्मच दही डाल लिया है हमने। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच कैस्ट्रोल ऑयल, जो आपके बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छा करेगा। इसको ही हमने 1 चम्मच ऑयल डाल लिया है। अब हम डालेंगे इसमें नींबू। नींबू ये मैंने 1 नींबू लिया है का रस हम डालेंगे इसमें। नींबू का रस डाल लिया है। हम रस डालेंगे। हाँ, वो और डाल दी। इसमें मैंने रस डाल दिया है नींबू का। अब मैं इसमें डालूंगी विटामिन ई के 2 कैप्सूल। मैंने लिए विटामिन ई के 2 कैप्सूल। इसको मैं डाल दूंगी। विटामिन के 2 कैप्सूल डाल दिए हैं मैंने इसमें। अब मैं जो इसको मिक्स करूँगी, इसमें मैंने पानी में चाय पत्ती को उबाला है और इसमें ही मैंने कॉफ़ी पाउडर डाला है, जिससे आपका ब्राउन शेड आएगा और बालों को बहुत मजबूत करती है चाय पत्ती, शाइनिंग करती है। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी डाल देंगे इसमें गांठे पड़ जाएंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी हमको लेना है। हमेशा लोहे की कढ़ाई में आपको मेहंदी को मिक्स करना है। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरीके से आपको, अगर आप चाहें तो आप इसमें कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। कच्चा दूध जब आप डालेंगे, जैसे कि आपके बाल कहीं से झड़ गए, बहुत छोटे छोटे बेबी हेयर आगे से हो जाते हैं, अगर आप कच्चा दूध डालेंगे तो वो भी आपके बाल वहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेंगे। तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है कच्चा दूध, आप चाहें तो उसमें मिक्स कर सकते हैं मेहंदी में। ये देखिए मैंने एक थिक पेस्ट बना लिया, इसको हम ओवरनाइट रख देंगे, फिर जब हम सुबह लगाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है।